लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। गोइंग टुवर्ड्स लेसनिंग मैन पावर, नंबर वन, मैन पावर आप कम करें। आपकी आर्मी तकरीबन चीमा साहब 12.25 लाख तक की है, 12,36,000, 12,40,000, समथिंग लाइक दैट, ऊपर नीचे कुछ हजार हो सकता है उससे। ऐसी फौज है अपनी, तो उसको कम करना है, 1.5-2-3 लाख लोग उसमें से कम करने हैं। हाउएवर बेंचमार्किंग चलती रहती है इंडियन आर्मी में कि व्हाट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इजराइलीज आर यूजिंग, व्हाट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट अमेरिकन आर यूजिंग, हम लोग किस तरीके से उस चीज को मेक इन इंडिया कर सकते हैं, कैसे हम अपने जवान को और बेस्ट दे सकते हैं, जल्दी से दे सकते हैं, क्योंकि अगर कोई थ्रेट आए तो किस तरीके से वी कैन आर्म बेटर। सो द आइडिया इज दैट हैव अ स्मॉलर आर्मी कंपैरेटिवली, मैं स्मॉलर बोल रहा हूं फिर भी इट इज मैसिव, बट हैव अ कंपैरेटिवली स्मॉलर आर्मी बट वेरी हाई टेक, वेयर एवरीबडी यू नो इज लिंक्ड। अब जैसे हमने सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं चीमा साहब, अलग अलग किस्म की ना, तो ऑल दीज देर आर मिलिट्री सैटेलाइट्स ऑल्सो, देर आर इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट्स ऑल्सो, सो वी आर कनेक्टेड टू आर ओन सैटेलाइट्स, सो वी डोंट हैव टू डिपेंड की जी हमें रशिया देगा, अमेरिका देगा, कुछ हमारे पास खुद की हैं और खुद फ्रेंडली कंट्री से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे पास भी है, एंड इसरो इज डूइंग दिस डे इन एंड डे आउट, एंड ऑल सो दैट यू नो इसमें फार्मर्स की भी बड़ी है कि फार्मर्स को हेल्प हो जाएगी, और ई कॉमर्स का भी बहुत बड़ा मामला है इसमें चीमा साहब, इंटरनेट का भी बहुत बड़ा मामला है, लेकिन इसमें यू नो 2019 में एक टेस्ट करवाया था एंटी सैटेलाइट मिसाइल, आई डोंट नो अगर आपको याद है कि आपको मिस हो गया, आपकी नजर से नहीं गुजरा, वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल एक फायर करी थी और काफी चाइना ने प्रोटेस्ट कर रहा था कि इसका डेबरी कहीं पे गिरेगा, वो चाइना इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा था, दैट वाज सपोज्ड टू बी अगेंस्ट चाइना ओनली, सो चाइनीज कह रहे हैं कि इसका डेबरी गिरेगा और ये गिरेगा वो गिरेगा, डेबरी शेबरी का उन्होंने कोई बनाया मामला, मुझे याद आ रहा है, जी जी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने 2019 में एक टेस्ट हुआ था, आई थिंक अस्त्रा या क्या ऐसी नाम था कुछ, वो नाम भूल गया मैं मिसाइल का, लेकिन ये हुआ था, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे टेस्ट, ये चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल है तो हमारा ब्रह्मोस है, ये सब चलता रहेगा ये अभी, एंड वी आर फाइंडिंग मोर इफेक्टिव बिकॉज वी कैन नॉट कंपेयर विद चाइना डॉलर टू डॉलर, अगर बोलें कि चाइना ने $10,000 खर्च कर दिया हम भी एक चीज पे खर्च कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द साइज ऑफ द इकोनॉमी इज डिफरेंट, बट एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मनी ओनली, वी बिलीव दैट वी आर फार स्मार्टर पीपल देन द चाइनीज, वी विल फाइंड अ वे, वो इंडियन जुगाड़ कुछ ना कुछ निकाल लेंगे चीमा साहब और करेंगे काम को ना, सस्ते में करेंगे, बेहतर करेंगे। अच्छा मैं सब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो कि जारी बात है किसी भी आज के दौर में अगर इंडिया अपनी इंडिजिनसली डेवलप कर रहा है अपने डिफेंस अपरेटस को, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं फॉर एग्जांपल देख रहा था कि जो इंडियन आर्मी है उसकी कोलैबोरेशन है डिफेंस पब्लिक सेक्टर के साथ, फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो इसमें वो जो मैं देख रहा था ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक वो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो एक प्रोग्राम है इनका आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने का, इसमें इसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है, ये प्राइवेट सेक्टर कितना वाइब्रेंट है इन टर्म्स ऑफ जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में, क्या ये सिर्फ स्टेट कर रही है, स्टेट के अदारे कर रहे हैं कोलैबोरेशन पे, या कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है? चीमा साहब इसमें ऐसा है कि आज से 5-6 साल पहले जो आप कह रहे थे बिल्कुल सच था, वहां पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ करती थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सप्लाई करती थी या हम इम्पोर्ट करते थे, दो रास्ते थे, पिछले 4-5 साल से मोदी जी ने दिए चाबी भयानक वाली, ये जो कंपनीज थी पहले भी थी डिफेंस वाली, लेकिन अब ये फुर्ती में आ गई है बिल्कुल, इनकी फुर्ती ऐसी है मैं बता रहा हूं, अभी टाटा ने एक बहुत शानदार, मैं नाम भूल रहा हूं उस गाड़ी का, नॉमेनक्लेचर, एक बहुत शानदार व्हीकल उन्होंने आर्मी को सप्लाई करी, कल्याणी ग्रुप है, कल्याणी ग्रुप ने सप्लाई करी है, महिंद्रा डिफेंस, यू नो महिंद्रा एंड महिंद्रा वेरी फेमस, टाटा वेरी फेमस, अंबानी हैव अ डिफेंस दिस थिंग, टाटाज हैव डिफेंस, अदानीज हैव, तो ऐसी काफी इंडिया की टॉप वो हैं जो कि कुछ हैं जैसे सॉफ्टवेयर में जो कि डिफेंस के सॉफ्टवेयर बना रही हैं, कुछ हैं जो हार्डवेयर बना रही हैं, तो इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री घुस गई है, मैं एक दो लोगों को जानता हूं, मेरे दोस्त हैं जो कि डिफेंस के लिए 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं, जर्मनी से टाइप करके इंडियन एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए पार्ट्स बनाने हैं 3D प्रिंटिंग, तो ये सब हो रहा है, इसमें प्राइवेट सेक्टर घुस गया है, प्राइवेट सेक्टर के साथ इसमें चीमा साहब क्या हो रहा है कि
बहुत ज्यादा इसमें जिसको कहते हैं कि R&D में भी पैसा डाला जा रहा है, जो पहले ऐसा नहीं हो रहा था। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कि टाटा का, टाटा ग्रुप आपने नाम सुना ही होगा, इंडिया का मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रुप है। लेट मी पुट इट लाइक दिस, लेट्स नॉट टॉक अबाउट मार्केट वैल्यू और मार्केट शेयर, लेट्स टॉक अबाउट रिस्पेक्ट। इंडिया में किसी भी बिजनेस ग्रुप की इतनी इज्जत नहीं है जितनी टाटा की है। टाटा हैज, आई बिलीव टाटा हैज अ टाई अप विद लॉकहीड मार्टिन कि अगर इंडिया कॉन्ट्रैक्ट देता है F-21 का, जो बात चल रही थी ना, F-20 F-20 समथिंग लाइक दैट, जो भी एयरक्राफ्ट है वो, F-16 का जो अपग्रेडेड वर्जन है, जो भी है वो, तो दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द टाटाज एंड यू नो द अमेरिकन पार्टनर्स टुगेदर। सो ये दे आर पार्टनरिंग नॉट जस्ट इन मेकिंग राइफल्स और समथिंग लाइक दैट, AK-203 का है, राइट, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, ड्रोन्स, सो मेनी अदर थिंग्स, जहां पे इनके पास टेक्नोलॉजी है ये कर रहे हैं, नहीं है बाहर से पार्टनर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। तो इंडिया में एक कंप्लीट चीमा साहब, एक मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 4-5 साल में रात दिन काम करके एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जिसमें कि आत्मनिर्भर, आत्म मीन्स सेल्फ, निर्भर मीन्स डिपेंडेंस, आत्मनिर्भर मीन्स सेल्फ डिपेंडेंस, कि हमें किसी और की तरफ ना देखना पड़े, आत्मनिर्भर।